जय हिंद दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, हमारा देश सन 1947 इस 15 अगस्त के डेट को आज़ाद हुआ था। और आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश आज़ाद तो हुआ बट दो टुकड़ों में बट गया, जिससे इसका अफसोस भी है हमें। और दोस्तों, इस देश की आज़ादी में हमारे महान पुरुष चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, अन्य ऐसे महापुरुष जो इन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई और हमारे देश के सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, बलिदान दिए, उनको मैं श्रद्धांजलिपूर्वक सैल्यूट करता हूँ। दोस्तों, हमारा देश सोने की चिड़िया था और है और रहेगा। दोस्तों, हमारा देश का जो विभाजन हुआ वह अंग्रेजों के कारण हुआ और हमारे अंदर एकता नहीं हो पाई, इसके वजह से हमारा देश बंटवारे में बढ़ गया। दोस्तों, इस चीज़ का हमें अफसोस है, लेकिन आज अगर समय रहते हम लोग इस चीज़ पर नहीं ध्यान दिए तो हमारा देश कई टुकड़ों में बढ़ता जाएगा। दोस्तों, हमारी लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों से थी, ना कि अपने देश के लोगों से, जो टुकड़े हो गए। और हमें मिलजुल कर एक रहना होगा और एक रहना पड़ेगा। और हम चाहते हैं अगर आप लोग फिर से एक होना चाहें तो हम आप लोगों को एक होने के लिए अपील करेंगे और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। दोस्तों, और जिस तरह से आतंकवाद हर जगह पे है, भ्रष्टाचार हर जगह पे है, हमारा देश आतंकवाद और भ्रष्टाचार से बहुत पीछे रहता है, पीछे हो जाता है, जिससे हम लोग आगे बढ़ने में कम आगे जा पाते हैं। और दोस्तों, ये बता देते हैं कि हमें किसी के ऊपर जुर्म करने या अत्याचार करने का हमारा मानवता धर्म छूट नहीं देता है, लेकिन हमारा स्वभाव है कि अगर कोई आए उसे अपना लेते हैं। तो हमारा मतलब है कि अतिथि देवो भव होता है, तो हम चाहते हैं अगर आप लोग देख सकते हैं पड़ोसी देश में जिस तरह से चल रहा है आतंकवाद का धरतापुरा का कार्यक्रम, जिससे बहुत सारे दलित, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक लोग, मनाटी के लोग पीड़ित हैं और परेशान हैं, या मानव जात के लिए बहुत संकट का विषय है। उसको हमें सोचना चाहिए, हमारा देश एक सुशासन से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए और अपने देश का संविधान का पालन करना चाहिए। और हम किसी लोभ सत्ता या धर्म मजहब से उठकर जब तक नहीं सोचेंगे तब तक हम एक नहीं रहेंगे। तो आइए मिलकर हम इस पर्व का त्यौहार मनाएं। जय हिंद।